तो ये देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की सुपर टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आइए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्वाद का संगम। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 400 ग्राम के करीब में गाजर, और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पील कर लिया है अच्छे से। और अब इसके बाद हम इनको ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये ग्रेटर लिया है जिसके मीडियम साइज़ जो है, इससे हम गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे गाजर ग्रेट कर लूँगी। तो अब यहाँ पर हमारे सारे गाजर ग्रेट हो गए हैं, और अब इसके बाद हम एक पैन लेंगे। इससे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, और इसके बाद हम पैन ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब में घी, ये देसी घी है। और इसके बाद ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हमने जो गाजर ग्रेट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो इस जो घी है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं चारों तरफ, और इसके बाद हम इसमें ये गाजर जो हमने ग्रेट किए हैं वो डाल देते हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए हम इसे भुनेंगे, जब तक ये थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम नहीं हो जाती और ये गाजर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से घी में मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे ताकि ये जले नहीं। और जो इसके अंदर जो पानी होता है, जो गाजर घिसने के बाद जो पानी रिड्यूस होता है, वो पानी थोड़ा सा सूख ना जाए, जब तक तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नमक थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम चला लेते हैं, क्योंकि नमक के बाद भी थोड़ा सा पानी लूज़ आउट होता है इसमें से। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए नमक इसमें, तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा, मैंने 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स लिया है। और क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा स्पाइसी कम रखती हूँ बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसमें ऑरिगैनो डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून है ये। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और भी ज़्यादा अपनी टेस्ट के हिसाब से चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। और अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए गाजर में। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो एकदम रेडी हो चुकी है। और अब मैं इस स्टेज पे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, जो सूखी वाली होती है, क्रश होती है, पाउडर डालूँगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें बहुत ही थोड़ी सी, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है थोड़ा सा टैंगी टेस्ट के लिए। और इसके बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो एकदम रेडी है, इसको बस हमें मिक्स करना है अच्छे से। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको हल्का ठंडा होने देते हैं। इसके बाद जो हम थोड़ा से चीज़ ले रहे हैं और इनको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। जितनी आपको ज़रूरत है आप चीज़ को ग्रेट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप चाहते हैं क्वांटिटी या बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया है। तो अब इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर वाइट ब्रेड। मैं यहाँ पे वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी है और हल्की गर्म है, बहुत ही थोड़ा सा ठंडी हुई है, ज़रूरी नहीं है इसे एकदम चिल्ड करना। और यहाँ पर मैंने 2 पीस ले लिए हैं ब्रेड के, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया है घी, या बटर भी इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर लेती हूँ अच्छे से इसके ऑल साइड्स पर। और अब इसके बाद जब ये घी अच्छे से स्प्रेड हो जाए, तब हम क्या करेंगे, जो गाजर की जो हमने स्टफिंग बनाई है तो उनको हम अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए, ये हल्का इसमें से धुआं निकल ही रहा है, ये गर्म ही है। और
इसको हम बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आपको जितनी मोटी परत चाहिए गाजर की आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने 2 से 3 स्पून गाजर की स्टफिंग दी है और इसको मैं किनारों पे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही कम टाइम लगता है इस रेसिपी को बनाने में। और ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बच्चों की तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है, फेवरेट टोस्ट है, फेवरेट नाश्ता है, जो भी आप कह लें। अब इसके ऊपर हम जो चीज़ है वो स्प्रिंकल कर लेते हैं और आपको चीज़ जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी, आपके बच्चों की, आप उस हिसाब से इस पर स्प्रेड कीजिए, चीज़ को स्प्रिंकल कीजिए और जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से चीज़ को स्प्रेड कर लेती हूँ, स्प्रिंकल कर लेती हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर ऑर्गेनो स्प्रिंकल किया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किया है। और अब इसके बाद हम जो दूसरी वाली हमारी ब्रेड की स्लाइस है वो इसके टॉप पर हम रख देंगे और जिस साइड से हमने घी लगाया है हम उस साइड से इसको नीचे रखेंगे इसके, और इसको हम अच्छे से हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये जो ब्रेड है वो इसमें स्टिक हो जाए। तो इसी तरीके से जो बाकी बची ब्रेड है उनको भी हम तैयार कर लेते हैं और इतने गाजर में से हमारे 6 से 7 सैंडविच बनके आराम से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ये दोनों सैंडविच तैयार हैं सेकने के लिए। तो अब हम इन्हें सेकेंगे, रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा को हल्का गरम कर लिया है, गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम लो पर ही रखेंगे। तो जो तवा है वो हमारा हल्का गरम हो चुका है तो इसके ऊपर हम घी स्प्रेड कर लेंगे लगभग 1 टीस्पून के करीब में, और जो हमने सैंडविच बनाया था वो इसके ऊपर रख देते हैं और इसको हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। और इसके चारों तरफ जो इसके किनारे हैं वहाँ पर भी हम घी को साइडों में लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जो साइड है वो सॉफ्ट रहेंगी, क्रिस्प रहेंगी और थोड़ी सी मॉइस्ट भी रहेंगी। और अब हम इसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है सेकने में, क्योंकि ये जो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाते हैं तभी बहुत अच्छा आता है टेस्ट। तो इसके नीचे वाली जो ब्रेड है उस पर भी हम घी लगा देते हैं और इसको हम सेकने देते हैं लो फ्लेम पर। ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो जाता है लो फ्लेम पे। और ये देखिए एक बार इसको प्रेस कर लेते हैं और पलट देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हल्का क्रिस्प हुआ, इसे थोड़ा सा और क्रिस्प करेंगे। तो इसके ऊपर हम घी स्प्रेड कर लेते हैं, आप घी के बदले बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको ये देखिए हम दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट लेते हैं और यहाँ पर जो हमारी ब्रेड है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गई है और इसका जो अंदर का चीज़ है वो भी मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर इस स्टेज पे हम इस ब्रेड को निकाल लेते हैं सैंडविच को। यहाँ पर हमारा सैंडविच एकदम रेडी है और जो दूसरा सैंडविच है उसको भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं लो फ्लेम पर। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा सैंडविच भी एकदम रेडी है, इसको भी हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर सेक लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा कैरेट सैंडविच एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये रेसिपी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।